हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 7th में लेसन नंबर 3 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना और ये पूरा लेसन आज कंटिन्यू करना है और साथ में एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है। हमारा लेसन का नाम है लेसन नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब रेसा, रेसामांथी जे कापड़ बनावे तेने कहेवाय फाइबर टू फैब्रिक। ये लेसन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये लेसन में जो वूल के कपड़े, वूल है उसमें से सिल्क में से कपड़े कैसे बनते हैं वो, फिर हेल्थ हैज़ार्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। जो वूल एंड सिल्क की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कपड़े बनाते हैं उस वक्त क्या ध्यान रखना है वो सब इसमें आने वाला है। सो लेट्स वी स्टार्ट। प्रीवियस कनेक्शन, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन, डस्ट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। हम कपड़े पहनते क्योंकि हमको डस्ट से, फिर कोई एनवायरमेंट हमारे जो ठंडी से, गर्मी से, बारिश से हमें बचने के लिए या फिर कोई भी जीव जंतु से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। कपड़े किस में से बनते हैं? रेशे में से बनते हैं। फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम यार्न। यार्न में से फैब्रिक बनता है। यार्न मतलब सन। सन में से रेशा बनता है। रेशे में से धागा बनता है और धागे में से कपड़ा बनता है। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न किस में से बनता है? फाइबर्स में से बनता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड और सिंथेसिस। फाइबर होता है वो कैसा होता है? मैन मेड होता है या फिर नेचुरल होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड देयर सोर्सेस। हमने पहले भी पढ़ा है कि फाइबर्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो कहाँ से मिलते हैं। फाइबर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स होते हैं उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है वो नेचुरल होता है और सेकंड वो होता है तो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड बनाया है वो। नेचुरल फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो टू टाइप्स का होता है, या तो वो प्लांट में से मिलता है या फिर एनिमल में से मिलता है। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, वाइल दोज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जो फाइबर्स हमको प्लांट में से मिलता है उसे हम प्लांट फाइबर्स बोलते हैं और जो एनिमल्स में से हमको फाइबर्स मिलता है उन्हें हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स दैट आर मैच्योर्ड इन द फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। जो फाइबर्स होता है वो कोई भी केमिकल से बनता है उसे हम मैनमेड बोलते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ओके, अभी उसके नीचे आते हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हो ये फ्लेक्स है, ये हेम, पॉलिस्टर, रेयन, सिल्क, वूल, ये सब क्या है? फाइबर्स के एग्जांपल्स है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टू एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। ये लेसन में हम दो फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले, वूल एंड सिल्क। वूल मतलब जो ऊन होता है वो, एंड सिल्क मतलब जो रेशमी होता है, रेसा होता है उसमें से सिल्क होता है वो। तो वूल, फर्स्ट हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट या एक्सेट्रा। देखो ये फ्लीस है, ये न्यू वर्ड्स है। फ्लीस मतलब जो ऊन होता है ना उसके ऊपर का, उसे हम फ्लीस बोलते हैं। जो फ्लीस होता है वो हमें शीप, गोट एंड याक में से मिलता है। द फ्लीस ट्रैप्स एयर इन द स्पेस बिटवीन देम, प्रिवेंटिंग द बॉडी हीट फ्रॉम द स्केपिंग, थस कीपिंग द एनिमल वॉर्म। ये फ्लीस होती है जो उसका जो फर होता है, उसकी जो स्किन होती है, जो रुई की होती है, वो क्या करती है कि उन्हें हमेशा गर्मी देती है। वूल इज बेटर इंसल्टर देन सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एंड अदर नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। कॉटन, सिल्क, नायलॉन, फिर पॉलिस्टर, ये सबसे बेस्ट होता है तो वो है वूल। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड।
हम वूलन के कपड़े पहनते हैं विंटर में, क्योंकि हमको ठंडी से प्रोटेक्ट करना है। वूल इज़ मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। वूल हमको मोस्टली शीप में से मिलता है। अ शीप्स हेयर हेयरी स्किन हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो शीप होती है उसकी हेयर की जो स्किन होती है वो टू टाइप्स के फाइबर्स की होती है। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। देखो जो कोर बियर्ड हेयर है मतलब उसके जो ये उसकी दाढ़ी वाली जो आगे का हिस्सा होता है वो, और ये पीछे वाला ये हिस्सा, ये दोनों अलग 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 टाइप के वूल्स होते हैं। दीज आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ शीप दैट प्रोवाइड द वूल। और उसमें भी कई सारे तरह के शीप वेराइटी होती है जिसमें से हमको वूल मिलते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल डिफर्स फ्रॉम द ब्रीड टू ब्रीड। जो क्वालिटी होती है वूलन की, जो ऊन होता है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। द मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड्स द फाइनेस्ट वूल विच इज सॉफ्ट एंड लाइट। जो मेरिनो नाम का जो ब्रीड होता है उसका जो ऊन होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है एंड वजन में हल्का होता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप। जो शीप होता है उसकी जो उसके पेरेंट्स होते हैं उससे अलग उसकी अलग तरह का उसका ऊन होता है, वो एक प्रोसेस है। शीप आर मेनली रियर्ड फॉर द वूल इन द रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड द मिडल ईस्ट एशिया आइलैंड यूरोप एंड साउथ अमेरिका। वूल होती है उसकी ज़्यादातर ज़रूरत कहाँ पे होती है? ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, एशिया, आइलैंड, यूरोप, साउथ अमेरिका, वहाँ पे। इन इंडिया रियरिंग ऑफ शीप इज़ मेनली डन बाय पीपल इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और द प्लेसेस ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। यहाँ हर जगह पे हमारे इंडिया में शीप का जो वूल होता है वो हमको मिलता है। द टेबल गिवन बिलो टेल्स अस अबाउट सम ब्रीड्स ऑफ शीप एंड द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम। यहाँ पे जो कौन सी जगह पे से कैसे टाइप का वूल हमको मिलता है और उसकी क्वालिटी क्या है वो हमको यहाँ पे चार्ट में दी गई है। नेम ऑफ ब्रीड मतलब जो जात होती है कौन से टाइप की। हमारे इंडिया के जो शीप और बकरे और होते वो अलग टाइप के होते हैं और राजस्थान पंजाब के अलग अलग होते हैं, इस तरह यहाँ पे डिवाइड करा है उसकी जाति को। और यहाँ पे कौन से टाइप में से हमको कैसे टाइप का वूल मिलता है उसकी क्वालिटी मिलते ये दिखाया है। लोही वो राजस्थान एंड पंजाब में देखने को मिलती है और उसमें से गुड क्वालिटी यूज टू मेक स्वेटर्स एंड शाल्स। ये लोही नाम की जो ब्रीड है मतलब उसकी जो जाति है उसमें से हमको अच्छे तरीके का ऊन मिलता है और उसमें से हम स्वेटर एंड साल बना सकते हैं। नाली राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। नाली टाइप की ब्रीड होती है वो राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब में देखने को मिलती है, उसमें से कारपेंट वूल बनता है। कारपेंट के लिए जो वूल यूज़ होता है वो बनता है। बकरवाल वो जम्मू एंड कश्मीर में दिखने को मिलता है, वो गुड क्वालिटी फॉर शाल, वो उसमें से शाल बनती है अच्छी तरीके की। मारवाड़ी वो गुजरात में देखने को मिलते हैं, उसमें कोर्स वूल होते हैं, वूल का एक टाइप है वो है। फिर पाटनवाड़ी वो गुजरात में होता है, वो फॉर होजियरी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फॉर एग्जांपल मैं गुजराती में बोलूँ तो गुजरातना जे घेटा बकराओ छे घेटा छे एनु ऊन अने आपणे बीजा कंट्री में अपना इंडिया में अने राजस्थान में गुजरात में उत्तराचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में जे घेटा बकरा होय एनु ऊन होय छे तेमा खूब ज डिफरन्स होय छे। तो कया टाइपना घेटा बकरामांथी आपणे कई कास्ट एना जे टाइप होय आपणे इंसानमां पण टाइप होय ने, कोई होय मुस्लिम हिंदू एवी रीते, तो ई कास्ट होय एवी रीते आमाय होय।
તો આજે એની જે ટાઈપ હોય એમાંથી આપણને કેવું ઊન મળે છે તે અહીંયા છે, એની કાસ્ટ છે ને એ કઈ કઈ કાસ્ટમાંથી કેવું ઊન મળે છે તે અહીંયા આપ્યું છે, એની ક્વોલિટી છે. ઓકે સો બચ્ચો, આઈ હોપ આપકો કુછ ક્વેરી નહીં હૈ, લેકિન આપકો હો તો આપ હમે સોલ્વ કર, પૂછ લેના, હમ સોલ્વ કરા દેંગે. શીપ આર હાર્બીવરસ એનિમલ દેટ ઈટ ગ્રાસ એન્ડ લીવ્સ. શીપ હોતા હૈ વો હાર્બીવરસ હૈ, વો ઘાસ એન્ડ લીવ્સ ખાતા હૈ. રિયર્સ ઓલ્સો ફીડ શીપ્સ ઓન અ મિક્સચર ઓફ પલ્સીસ, કોર્ન, જવાર, ઓઇલ કેક્સ એન્ડ મિનરલ્સ. ઉસમે કઈ સારે હોતે હૈ શીપ, વો પલ્સીસ ખાતે, દાલ, કોર્ન, જવાર, વો સબ ખાતે હૈ. દે આર કેપ્ટ ઇન્ડોર્સ ઇન ધ વિન્ટર એન્ડ ફેડ ઓન લીવ્સ એન્ડ ડ્રાય ફૂડર્સ. દેખો ઉનકો હમ વિન્ટર મેં ઘર મેં રખતે હૈ, ઓર બહાર મેં, ઓર હમ દૂસરી સીઝન મેં ઉસે બહાર ભી જાને કો દેતે હૈ. વૂલ ફ્રોમ ધ અધર એનિમલ્સ, જો દૂસરે એનિમલ હૈ ઉસમે સે કોન સે ટાઈપ કા વૂલ મિલતા હૈ. યહાં પે હમને સીપ હોતા હૈ, ઘેટા હોતા હૈ, ઉસકી કાસ્ટ કે બારે મેં પઢા, ઓર વો કોન સે ટાઈપ કે કાસ્ટ મેં સે હમકો કેસા વૂલ મિલતા હૈ વો સીખા. લેકિન દૂસરે એસે એનિમલ હૈ જો હમકો વૂલ દેતે હૈ સીપ કે અલાવા ભી હૈ, તો યે ઉસકે બારે મેં હૈ. વૂલ ઇઝ ઓલ્સો ઓપ્ટેન ફ્રોમ ધ ફર ઓફ કેમલ્સ લાઇક ધ બેક્ટ્રાયન કેમલ્સ, અલ્ફકા એન્ડ ધ લાઇમા ફાઉન્ડ ઇન ધ સાઉથ અમેરિકા ઓલ્સો યેલ્ડ વૂલ. દેખો વૂલ હમકો હમકો પતા હૈ શીપ મેં સે મિલતા હૈ, લેકિન કેમલ મેં ભી, કેમલ સે ભી મિલતા હૈ. ઓર કેમલ હોતા હૈ વો જો કેમલ કી સ્કીન હોતી હૈ ઉસમે સે હમકો વૂલ મિલતા હૈ. ઓર યહાં પે કેમલ કે ટાઈપ્સ દિયે ગયે કે કોન સે ટાઈપ કે કેમલ મેં સે હમકો મિલતા હૈ, તો બેક્ટ્રાયન કેમલ, અલ્ફકા એન્ડ લાઇમા, યે તીન ટાઈપ કે કેમલ્સ હૈ ઉસમે સે હમકો વૂલ મિલતા હૈ, ઓર જો સાઉથ અમેરિકા મેં હમને હમકો દેખતા હૈ. યાક વૂલ ઇઝ અ કોમન ઇન ધ ટિબેટ એન્ડ લદ્દાખ. યાક કા વૂલ હૈ વો ટિબેટ એન્ડ લદ્દાખ મેં હમકો જ્યાદા મિલતા હૈ. કેશમર વૂલ ફાઈબર્સ આર ઓલ્સો ઓપ્ટેન ફ્રોમ ધ કેશમર ગોટ્સ. કેશમર ગોટ્સ નામ કી, કેશમર ગોટ હૈ ઉસમે સે હમકો કેશમર વૂલ નામ કા ફાઈબર્સ મિલતા હૈ. ધ અંડર હેર ઓફ ધ કશ્મીરી ગોટ ઇઝ યુઝ ટુ મેક ફાઇન શાલ્સ કોલેડ પશ્મીના શાલ. દેખો જો કશ્મીરી ગોટ હોતી હૈ, કશ્મીર કી જો બકરિયા હોતી હૈ, ઉસમે સે હમકો શાલ, ઉસકી જો વૂલ હોતા હૈ ઉસમે સે હમ શાલ બના સકતે હૈ. ઓર વો શાલ કેસે વો ફેમસ હૈ, તો વો પશ્મીના શાલ કે નામ સે ફેમસ હૈ. અંગોરા ગોટ પ્રોવાઇડ્સ ફાઇન ફાઈબર કોલેડ મોહેર. દેખો અંગોરા નામ કી ગોટ હૈ વો ઉસકા જો ફાઈબર હૈ વો ઉસમે સે મોહેર નામ કી જો આર્ટ મોહેર નામ કી જો ફાઈબર હોતા હૈ વો મિલતા હૈ. ધ અંગોરા રેબિટ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ્સ ફાઇન વૂલ એન્ડ ઇઝ વેરી એક્સપેન્સિવ બિકોઝ ઈચ રેબિટ કેન ઓનલી પ્રોવાઇડ્સ અ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ અંગોરા વૂલ. દેખો જો રેબિટ હોતા હૈ વો ભી હમકો વૂલ દેતા હૈ, પર અંગોરા વૂલ, અંગોરા રેબિટ નામ કા રેબિટ હૈ વો હમકો, યહાં પે આપ દેખ સકતે હો યે અંગોરા રેબિટ હૈ ઉસકે સ્કિન કે ઉપર કિતને સારા વૂલ હૈ, તો યે વૂલ હૈ વો બહોત હી અચ્છા હૈ. ઓર વો હમે કઈ સારે રેબિટ તો વૂલ દેતે હૈ, લેકિન વો સ્મોલ અમાઉન્ટ મેં દેતે હૈ, કમ માત્રા મેં હમકો વૂલ દેતે હૈ, લેકિન યે અંગોરા રેબિટ હૈ ઉસકા વૂલ બહોત હી બડી માત્રા મેં મિલતા હૈ. ફિર હૈ શસ્તુશ વિચ ઇઝ ઓલ્સો કોલેડ કિંગ ઓફ ફાઇન વૂલ્સ. શસ્તુસ હૈ વો સબસે અચ્છા વૂલ હૈ, ઉસે વૂલ કા રાજા બોલતા હૈ. ઇટ્સ ઓપ્ટેન ફ્રોમ ધ અંડર હેર્સ ઓફ ધ ટિબેટિયન એન્ટિલોપ નોન એઝ ચીરુ. યે ચીરુ હૈ, યે ચીરુ આપ યહાં પે પિક્ચર મેં ભી દેખ સકતે હો, ઇસકા વૂલ ભી સબસે અચ્છા હૈ. ધે આર હન્ટર્ડ એન્ડ કિલ ટુ ઓપ્ટેન ધેયર ડિક્લેટ હેર. ઉસકો લોગ શિકાર કરતે હૈ ક્યુંકી ઉસકે જો હેર હૈ વો બહોત હી પ્રીસિયસ હૈ. ઇસકે લિયે એઝ અ રિઝલ્ટ ધ પોપ્યુલેશન ઓફ ચીરુ હેઝ ડિક્રીઝ કન્સિડરેબલી. દેખો લેકિન અભી યે ચીરુ કી જો જાત હૈ વો બહોત હી કમ હોતી હૈ ક્યુંકી વો બહોત હી પોપ્યુલર હૈ. ટુ સ્ટોપ ધેયર હન્ટિંગ ધ ગવર્મેન્ટ હેઝ બેન્ડ ધ યુઝ એન્ડ શેલિંગ ઓફ શાલ્સ મેડ ઓફ શેતુસ.
जो देखो गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार करने से और इसके जो ऊन है उसमें से साल बनाने पर प्रतिबंध करा है, रोका है, क्योंकि वो बहुत ही महंगा है। प्रोडक्शन ऑफ वूल, अभी देखो कहाँ से वूल आता है, वो कहाँ से प्रोडक्ट करते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल आर एज फॉलो। देखो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं जिसमें से हमको वूल मिलता है। शियरिंग, शियरिंग मतलब जो वूल है उसे कट करने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर और फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिक लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शियरिंग। देखो शियरिंग किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे उसका मीनिंग दिया है। शियरिंग उसे बोलते हैं जो स्किन होती है उसके साथ पूरी जो उसकी रुवाटी होती है उसे कट करने की प्रोसेस को शियरिंग बोलते हैं। इट इज़ डन विदाउट हार्मिंग द शीप यूजिंग अ मैनुअल रेजर और अ क्लीपर। देखो इसका हम ये हमको करना है शियरिंग, तो हम रेजर और क्लिपर की मदद से करते हैं। इट इज़ यूजली डन एवरी ईयर इन द स्प्रिंग और इन द समर एज द फ्लीस इज नॉट रिक्वायर्ड एज इन द इंसल्टर ड्यूरिंग दिस मंथ्स। इसका जो शियरिंग करते हैं इसकी स्किन निकालने की, उसके जो रू निकालने की प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर समर या फिर स्प्रिंग में करते हैं। फिर उसके बाद है स्काउरिंग है। देखो यहाँ पे प्रोसेस भी दी गई है। स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ वूल हमको कैसे मिलता है। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ फ्लीस इनटू द वूलन फैब्रिक में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर शीप शेयरिंग मतलब जो घेटा उछेर होता है वो। फिर फ्लीस काउरिंग मतलब जो उसकी स्किन निकालने की प्रोसेस। वॉश फ्लीस सॉर्टिंग ग्रेडिंग ड्राइंग, ये इसकी हमने स्किन निकाली उसकी रू के साथ, उसके बाद उसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, डाई करते हैं। फिर डाइड फ्लीस स्पिनिंग, फिर देखो उसे ड्राई करते हैं उसके बाद उसको डाइड मतलब उसे कलर भी करते हैं। फिर यान में से उसे नीटिंग एंड वीविंग करते हैं। नीटिंग मतलब उसे क्लीन करते हैं और गूंथते हैं, और वीविंग मतलब उसे बनाते हैं। नीटिंग में से स्वेटर बनता है और वीविंग में से वूलन फैब्रिक मिलता है। नीटिंग मतलब हमको पता है कि कई सारे लोग होते हैं उसे स्वेटर बनाना आता है, तो वो स्वेटर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे नीटिंग बोलते हैं, और वीविंग मतलब जो कापड़ बनाने की प्रोसेस होती है उसे वीविंग बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से वूलन का जो फैब्रिक होता है उसमें से वूलन बनाने की जो प्रोसेस है यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और यहाँ पे उसके बारे में डीप में दिया है। अभी आता है स्काउरिंग। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द श्रेड स्किन विद द हेयर टू रिमूव डर्ट डस्ट एंड ग्रीस यूजिंग मशीन्स और इन द टैंक्स इज कॉल्ड स्काउरिंग। देखो स्काउरिंग किसे बोलते हैं कि जो स्किन हो। ग्रेडिंग मतलब जो हमें ऊन मिलता है उसका ग्रेड देते हैं, रैंक देते हैं ना, ये सबसे अच्छा होता है, जैसे फर्स्ट फिर सेकंड, उसे वो प्रोसेस को ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब उसे सिस्टमेटिकली उसे अरेंज करने की प्रोसेस को सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद क्या करते हैं, सॉर्टिंग है। देखो जो हेयरी स्किन होती है उसकी वो निकाल के वो फैक्ट्री में देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर लेंथ एंड कलर इज कॉल्ड ग्रेडिंग। देखो अभी जो वूल बचा है उसको जो उसका टेक्सचर होता है उसकी लेंथ कितनी है, फिर उसका कलर कैसा है उसके मुताबिक उसे रैंक देते हैं, वो प्रोसेस को ग्रेडिंग बोलते हैं। स्मॉल सॉफ्ट फाइबर्स कॉल्ड गुड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर। जो उसमें से वूल्स होता है वो उसको अलग करते हैं, जो उसका मेन उसका हेयर होता है उसमें से वूल्स होता है उसे अलग करते हैं। फिर थर्ड टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब उसको कलर करना। द फ्लीस ऑफ शीप इज यूजुअली वाइट ब्राउन एंड ग्रे इन द कलर। जो स्किन होता है उसका कलर होता है जो ऊन का वो कैसा होता है, व्हाइट ब्राउन एंड ग्रे। टू गेट
मेटल थी और उसको बाद उसको मेटल मेटल की जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर उसको प्रोसेस करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द डाइट फाइबर्स इज टर्म्ड एज द कार्विंग. और जो ये प्रोसेस करते हैं जो डाई करे हुए उनको जो टेक्नोलॉजी से उसको क्लीन करने की वो सब प्रोसेस होती है उसको हम कार्निंग बोलते हैं. फिर आता है ड्राई. ड्राई मतलब उसको क्लीन करना, ड्राई करना. द वूल इज ड्राइड एंड सेंट फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न. स्पिनिंग मतलब उसको अच्छी करने उसको बनाने के लिए यार्न यार्न बनाने के लिए उसे फैक्ट्री या फिर वो सब में देते हैं. इट इज देन वेटेड एंड पैक्ड इनटू द बेल्स. बेल्स मतलब उसको जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उसमें बना उसको डिवाइड करते हैं. जो हमने छोटे छोवाई फॉर एग्जाम्पल गुजराती में कहो तो आपने वूल बधु हो छूटू छूटू हो बंडल में बना गांसड़ी कहवाय बाल्स कह. लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू द वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूल्स इन टू द वूलन. जो लंबे फाइबर्स मतलब जो लंबे लंबे हेयर के वूल होते हैं उसमें से स्वेटर बनाने के लिए उसे देते हैं और जो छोटे वाले होते हैं उसमें उसको वूलन उसमें से वूलन क्लॉथ बनाने में इस्तेमाल होता है. ये देखो शियरिंग. शियरिंग मतलब जो उसके हेयर कट करते हैं. फिर सावरिंग. सावरिंग मतलब उसमें से जो कचरा उचरा क्लीन करते हैं. फिर गार्डिंग मतलब उसे एक क्लीन करने उसे एक शू कहे गुजराती में कहीं सीधी लाइन में स्प्रेड करवाने लास्ट में स्पिनिंग वूल फाइबर इनटू यार्न अने फाइबर्स में यार्न में कन्वर्ट करवाने. ये सब उसके स्टेप्स हैं जो वूलन वूलन प्रोड्यूस करते हैं. वूलन की प्रोडक्ट ये उसके स्टेप्स हैं. अभी उसके नीचे आता है राइट ट्रू और फॉल्स. द मेरिनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड्स द फाइनेस्ट वूल. तो ये स्टेटमेंट राइट है. यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे. द क्वालिटी ऑफ वूल डिफर फ्रॉम द ब्रीड टू ब्रीड. अलग अलग टाइप के जो शीप और वो सब होते हैं उसके मुताबिक उसकी जो वूल की क्वालिटी है वो भी अलग होती है. तो ये स्टेटमेंट भी राइट है. यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे. द कैशमर गोट प्रोवाइड फाइन फाइबर कॉलेज मोहेर. जो कैशमर नाम की गोट है उसमें से आपको कैशमर वूल मिलता है कि मोहेर है वो उसमें से नहीं मिलता है. ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे. फिर ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द लाइट फाइबर बाय पासिंग देम थ्रू द मेटल थिंग. जो स्ट्रेटनिंग होती है ग्रेडिंग होती है उसे बोलते हैं जो स्ट्रेट करते हैं. जो हमने ड्राई करा है उन उसको स्ट्रेट करने की प्रोसेस को हम ग्रेडिंग बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे. लास्ट में शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फॉर फ्रॉम द शीप. जो शीप होता है घेटा होता है उसकी जो फॉर होती है वो निकालने की प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं. ये स्टेटमेंट राइट है. यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे. इसके पीछे है सिल्क. हमने वूल के बारे में पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में. सिल्क इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड लाइक फ्रेम फ्रेमन फाउंड बाय सिल्क वॉर्म. देखो सिल्क रेशम का कीड़ा होता है उसमें से रेशम मिलने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सिल्क बोलते हैं. सिल्क मिलता है. सिल्क इज सॉफ्ट एंड लस्टरस. सिल्क कैसा होता है सॉफ्ट होता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं सिल्क वॉर्म है रेशम का कीड़ा है वो हमको सिल्क देता है. सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड हीट इज डज अ गुड इंसुलेटर एंड कीप्स द अस वॉर्म इन द विंटर एंड कूल इन द समर. सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जो हमको गर्मी में ठंडी देता है और ठंडी में हमको गर्मी देता है. लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ. ये सिल्क मोथ मतलब रेशम का कीड़ा होता है ये वो उसकी लाइफ टाइम कैसे है वो किसमें से बनता है और ये एक प्रोसेस है वो हम सीखेंगे. सिल्क मोथ इज अ लार्वा और कैटरपिलर ऑफ द डोमेस्टिक सिल्क मोथ. ये डोमेस्टिक मतलब उसे हम सिल्क मोथ को हम घर पे पाल सकते हैं जैसे हम कुत्ते और बकरे को पालते हैं जैसे. मलबरी सिल्क मोथ इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ. सारे सिल्क होते हैं उसमें से
मलबारी नाम का सिल्क मॉथ होता है वो सबसे अच्छा है। तो फीमेल सिल्क मॉथ विच इज शॉर्टर एंड स्टाउटर देन द मेल लेज 300 to 400 एग्स एट अ टाइम ऑन द लीव्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो हाइट में छोटा एंड बहुत ही मजबूत होता है मेल के मुताबिक। वो एक समय पे 300 से 400 अंडे एक समय लार्वा लीव्स पे रख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिल्क मॉथ है ये फीमेल है वो अंडे कितने 300 से 400 अंडे एक साथ लीव्स पे रख सकता है। आफ्टर सम डेज द एग हैच इनटू द ब्लैक लार्वा और सिल्क मॉथ इमर्ज। कि थोड़े समय के बाद उसमें से जो यहाँ पे हैच मतलब उसमें से निकलता है जो सिल्क होता है वो कलर के उसका कलर ब्लैक होता है। द लार्वल स्टेज लास्टेज फ्रॉम अबाउट 27 to 28 डेज। और यहाँ ये स्टेज होता है वो कितने दिन में बनता है 27 से 28 तक। ड्यूरिंग दिस स्टेज द लार्वेज शेड हिज स्किन 4 टाइम्स। और 27-28 डेज में जो लार्वा होता है वो 4 बार अपनी स्किन रिमूव करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। और जो स्किन निकलने की प्रोसेस है उसे हम मोल्टिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हैच हुआ जो अंडे में से यहाँ पे उसका सर्जन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लार्वा होता है वो बनता है। तो सिल्क मॉथ फीड ऑन द मलबरी लीव्स एंड डेवलप ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क। जो सिल्क मॉथ होता है वो क्या करता है मलबरी का लीव्स होते हैं वो खाता है और उसमें से जो रेशम जो उसमें से लिक्विड प्रोड्यूस करता है। द सिल्क मॉथ सीक्रेट फाइन फाइबर फिलामेंट फ्रॉम देयर ग्लैंड्स व्हिच आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड हार्डर ऑन एक्सपोजर टू एयर। और जो देखो ये सिल्क होता है वो क्या करता है वो ग्रंथि बन उसकी जो मुंह में होती है हमारे मुंह में भी लार ग्रंथि होती है ऐसे उसके मुंह में भी फिलामेंट नाम की एक ग्रंथि होती है जिसकी मदद से वो जो रेशम होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो फिलामेंट्स आर डिपॉजिट इन द लेयर्स फॉर्मिंग अ कोकून। फिलामेंट्स में से क्या बनता है कोकून बनता है। इनसाइड द कोकून द देखो यहाँ पे देख सकते हो फिलामेंट से उसमें से ये कोकून बनता है निकलता है। इनसाइड द कोकून द सिल्क मॉथ ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू द क्रिसलिस एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड द पुपा। और देखो ये उसमें से जो उसका कवर निकलता है उसमें क्या बनता है अंदर से अंदर पुपा बनता है। द सिल्क मॉथ कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कोकून एंड चेंज इनटू द एग। देखो ये कोकून होता है वो उसके अंदर वो ये कोकून मतलब ये शेल होता है उसका उसके अंदर जो लार्वा होता है वो बड़ा होता है और उसके बाद सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। और उसके बाद हमको जो सिल्क का जो मटेरियल होता है वो हमको मिलता है। तो ये प्रोसेस है। अभी आते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क हम कैसे बना सकते हैं तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यहाँ पे हम क्या है कि जो सेरिकल्चर एक प्रोसेस है इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये है वो नेचुरल नहीं है मेन मेड है। फर्स्ट द सिल्क वर्म एग आर वॉर्म एंड पुट इन द कंडीशन विच एनेबल देम टू हैच। फर्स्ट हमको क्या करना है जो सिल्क वर्म है उसके अंडे को हमको गर्म करना है ताकि वो बाहर निकलना चाहे। आफ्टर हैचिंग तो लार्वा आर स्प्रेड ऑन द बाम्बू ट्रेस टू ग्रो एंड आर फेड ऑन द जॉब मलबरी लीव्स फॉर अबाउट अ मंथ। उसके बाद उसको जो मलबरी लीव्स होते हैं उसके ऊपर उसको रखते हैं कई सारे मंथ्स तक। तो लार्वा ईट एंड इंक्रीज इन साइज। लार्वा होता है वो मलबरी लीव्स होते हैं वो खाता है और उसकी और इसी तरह उसकी साइज बढ़ती है। Pick those small rats and then place on the tray after the caterpillars stop eating and start spinning cuckoos. देखो अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया twigs। Twigs मतलब जो ब्रांचेज होती है वो खाने का वो स्टॉप कर देता है वो अपना खाना उसकी साइड बढ़ जाती है बल्कि वो खाना खाना स्टॉप कर देता है।
और इसी तरह वो क्या करता है, स्पिनिंग मतलब जो कोकून बनाने का काम वो स्टार्ट करता है। द कोकून गेट अटैचिंग दिस ट्विग्स, जो कोकून होता है वो ब्रांचेस से अटैच होता है। द कोकून आर देन सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर साइज एंड शेप, कोकून होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, उसकी साइज कलर एंड शेप भी अलग अलग होते हैं। कोकून ऑब्टेन मे बी व्हाइट येलो और ग्रे इन द कलर, कोकून का ज़्यादातर कलर कैसा होता है, व्हाइट येलो और ग्रे होता है। द सिलेक्टेड कोकून्स आर देन बॉइल्ड इन द हॉट वाटर केप्ट अंडर द सन सन ट्रीटेड इन ओवन्स और फ्यूमिगेटेड टू किल द लार्वा इनसाइड। देखो अभी जो कोकून से उसे गर्मी में या फिर सन की गर्मी के लिए या फिर पानी में गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो कोकून्स आर प्लेस इन द हॉट एंड कोल्ड वाटर अल्टरनेटिवली टू द लूजन द फिलामेंट्स, फिलामेंट्स को लूज करने के लिए उसे थोड़े दिन गर्म पानी में या फिर थोड़े दिन ठंडे पानी में रखते हैं। इफ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड आर अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रीक द कोकून देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, और उसके बाद जो कोकून होता है वो अपना निकल के आता है। द फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ड्रिलिंग, जो फिलामेंट्स है वो मिलता है हमको कोकून में से, वो प्रोसेस को ड्रिलिंग बोलते हैं। द फिलामेंट्स ऑफ सेवरल कोकून्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, जो फिलामेंट्स है उसमें से हम बहुत ही मजबूत डोरा बना सकते, थ्रेड मतलब डोरा। दिस थ्रेड इज बाउंड ऑन अ रिंग, और ये थ्रेड होता है उसे रिंग में जोड़ते हैं। द सिल्क थ्रेड आर टेन बाय एंड मूव ऑन टू द सिल्क फैब्रिक, और सिल्क का जो डोरा होता है उसे डाई कर उसे कलर करते हैं, सुखाने के बाद कलर करते हैं और उसके बाद दुल्हन के कपड़े के लिए उसको बनाते हैं सिल्क सिल्क के लिए। यहाँ का पिक्चर में देख सकते हो, ये प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखता है। हेल्दी मोड्स ऑफ टू ले एग, ये मोड से जो अंडे अंडे रखता है। द लार्वा आर फीड ऑन द मलबरी लीव्स अबाउट 6 वीक्स, जो लार्वा होता है ये मलबरी का लीव्स है वो 6 वीक तक खाता है। आफ्टर फीडिंग द सिल्क वर्म्स स्किन कोकून फॉर अबाउट 8 डेज, ये 6 हफ्ते तक ये मलबरी खाता है, उसके बाद उसका एक कवर बनता है कोकून, और कोकून के बाद क्या होता है, द पुपा इनसाइड द कोकून आर फिल्ड बाय द डिपिंग इन द हॉट वाटर, और उसको गर्म पानी में रखने से अंदर का जो पुपा होता है वो उसको निकाल देता है। फिर उसके बाद ड्रिलिंग ऑफ सिल्क स्ट्रेंस, और उसके बाद ड्रिल करते हैं मतलब हम जो कपड़ा सीते कपड़े सिलाई मशीन में जो रील होती है वो आपने देखी होगी कि जो धागा हमको चाहिए तो फर्स्ट हमको रील में उसे परोना पड़ता है, इसमें भरना पड़ता है, ये प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सिल्क स्ट्रेन आर कलेक्टेड, और उसके बाद ये सिल्क होता है वो हमको एक फॉर्म में हमको मिलता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस थी, ये उसका डायग्राम था। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सिल्क मोड्स प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सिल्क लाइक टेजर सिल्क, म्यूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एक्सेट्रा, और अलग अलग जो मोड होता है जो सिल्क का कीड़ा होता है वो अलग अलग कीड़े में से अलग अलग टाइप का हमको सिल्क मिलता है। टेजर सिल्क मिलता है, म्यूगा सिल्क मिलता है, कोसा सिल्क मिलता है। मलबरी सिल्क इज द वाइट इन द कलर एंड इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क, मलबरी का सिल्क होता है वो व्हाइट कलर का होता है और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। उसके बाद आता है एक्टिविटी मोहन नहीं करते हैं लेकिन आता है हेल्थ एजार्डिंग वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, जो वूल की और सिल्क की इंडस्ट्री है उसमें कौन से क्या ध्यान रखते हैं जब वो बनाते हैं। हेल्थ एजार्ड आर अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड विद द ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, हेल्थ के बारे में वो ध्यान रखते हैं हर एक इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि
ज्यादातर एंथ्रेक्स और सोर्टेक्स डिजीज का सोर्टर्स डिजीज होते हैं वो उनमें ज्यादातर होता है और वो एक बैक्टीरिया होता है उसमें से होता है। वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री नेवर हैव टू डिप देयर हैंड्स इनटू हॉट वाटर टू जज बाय टच वेदर द फाइन थ्रेड्स ऑफ सिल्क हैव अ लूजन इनफ टू बी वाउंड। देखो जो वर्कर्स होते हैं सिल्क इंडस्ट्री में वो ज्यादातर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो सिल्क का धागा है वो बनाने के लिए है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी में है कि नहीं। प्लीज ओपन पोज ब्लिस्टर्स एंड ओपन माउथ और इंटरीज और ऑन देयर हैंड देयर कैन पोज इन्फेक्शन और इसी तरह उसके हाथ को इन्फेक्शन लगता है। द रेलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड रिक्वायर्स वर्कर्स टू स्टैंड फॉर 12 to 16 hours इन अ डे। जो हमको सिल्क का धागा हमने बनाया है उसको रिंग करने के लिए वर्कर को 12 to 6 hours तक स्टैंड उसे खड़ा रहना पड़ता है रिजल्टिंग इन बैकेजेस स्पाइन प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वीजा। और वो खड़े रहते 12 to 16 घंटे तक उसकी वजह से उसको बैकेजेस मतलब जो फीट की जो प्रॉब्लम होती है फिर करोड़ों की प्रॉब्लम होती है और मेनी टाइम उनको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। वर्कर्स हु आर एक्सपोज्ड टू कंटिन्यूअस वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग क्रूज एंड डीजल फ्यूम्स फ्रॉम द मशीन सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जो वर्कर्स होते हैं वो कोकून को अलग करने में जो प्रोसेस होते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ज़्यादातर उसे अस्थमा मतलब सांस की प्रॉब्लम होती है और ब्रोंकाइटिस मतलब जो ये श्वास नली होती है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। अभी उसके नीचे आता है टाइम टू आंसर। वर्कर्स हू सोर्ट वूल इन द वूलन इंडस्ट्री सफर फ्रॉम ब्रेन डिजीज। जो इंसान के वर्क करते हैं वूलन की फैक्ट्री में उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती है सोर्टर्स डिजीज SORTERS DISEASE। ये एक रोग का नाम भी है। बच्चों आपको नहीं पता है तो आप इसकी इमेज गूगल पे सर्च कर लेना। ब्लैंक सिल्क इज द वाइट इन द कलर एंड इज द फाइनेस्ट क्वालिटी इन द सिल्क। कौन से टाइप का कौन वाइट कलर का सिल्क है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क है तो यहाँ पे आता है दिल RELED। फिर थर्ड है देखो इनसाइड द कोकून अभी उसके बाद है थर्ड इनसाइड द कोकून द सिलिकॉन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू। जो कोकून होता है उसके अंदर जो सिल्क होता है वो क्या ट्रांसफर करता है क्राइसिस CHRYSALS क्राइसिस। बच्चों आपको ये सारे स्पेलिंग लर्न करना है ये सब आपके लिए न्यू वर्ड है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म वर्ड सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो सिल्क वॉर्म होता है उसमें से जो सिल्क प्रोडक्ट मिलती है उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर SERICULTURE। The larvae of silk moths feed on blank leaves। जो लार्विया का जो कुकुन होता है वो क्या खाता है मलबरी लीव्स। तो MULBERRY मलबरी। फर्स्ट में आता है सोर्टर्स डिजीज मतलब जो छोटे नाइन का जो कोई भी रोग है वो मिलता है उसमें से। फिर रील जो हमको धागा बनाते हैं वो कैसा व्हाइट कलर का होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। इनसाइड द कुकुन कुकुन के अंदर क्या होता है क्राइसिस नाम का कुकुन होता है वो सिल्क वॉर्म में से क्राइसिस ट्रांसफॉर्म करता है। फिर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और लास्ट में द लार्वा इज लार्विया ऑफ सिल्क मॉथ्स फीड ऑन
मलबरी लीव्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं की टर्म्स। शीयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फर और फ्लीस फ्रॉम द शीप। शीप का जो फर होता है उसकी स्किन निकालने के प्रोसेस को शीयरिंग बोलते हैं। स्कावरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द शीप हेयर ऑफ शीप। जो शीप की जो फर होती है स्किन के ऊपर जो डस्ट होती है वो सब निकालने की इस प्रोसेस को स्कावरिंग बोलते हैं। फिर है सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल। बड़ी मात्रा में सिल्क वॉर्म को इकट्ठा करने की प्रोसेस को सेरिकल्चर बोलते हैं। एंड ब्रीडिंग, ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकुन। कुकुन में से जो सिल्क फाइबर मिलता है उसे रीलिंग बोलते हैं। अभी लास्ट में आता है नाव आइबो। फाइबर यूज टू मेक क्लोथ्स मे बी नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर होता है वो ज़्यादातर नेचुरल और सिंथेटिक होता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो वूल होता है और सिल्क होता है वो हमें एनिमल से मिलता है और वो नेचुरल फाइबर है। वूल इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, कैमल या गोट एंड रैबिट। वूल होता है वूल हमको या शीप कैमल गोट और उसकी स्किन उसकी जो स्किन होती है उसमें से हमको वूल मिलता है। द प्रोडक्शन ऑफ वूल इन्वॉल्व शेयरिंग स्कावरिंग ब्रेडिंग एंड ड्राइंग। जो हमको वूल मिला है उसके ऊपर क्या प्रोसेस होती है, शेयरिंग मतलब काटने की, स्कावरिंग मतलब उसे क्लीन करते हैं, फिर ग्रेडिंग उसे रैंक देते हैं और लास्ट में उसे ड्राइंग मतलब जो कलर चाहिए वो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सो सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है उसमें से हमको सिल्क मिलता है। देयर आर सेवरल हेल्थ हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद द वूल प्रोडक्शन एंड सेरिकल्चर। जो वूल प्रोडक्शन और सेरिकल्चर से हमको हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी उसके नीचे आती है एक्सरसाइज। बच्चों ये भी आपको अभी मैं कराती हूँ, आप वो भी कंप्लीट कर लेना और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमको पूछ लेना। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या नहीं है, तो आंसर है कॉटन। यहाँ पे लास्ट के सामने आपको टिक करना है। फिर है द एनिमल विच इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। कौन सा एनिमल है जो ज़्यादातर हमको वूल देता है, तो राइट आंसर इज शीप। अ फैब्रिक दैट बर्न्स विद अ स्मॉल ऑफ बर्निंग हेयर इज। जो उसकी हेयर है उसमें से हमको जो फाइबर फैब्रिक मिलता है वो तो वूल। फर्स्ट में कॉटन, सेकंड में शीप एंड थर्ड में वूल। उसके नीचे है रियरिंग ऑफ शीप इज डन चीफली बाय द पीपल इन द स्टेट ऑफ। ये प्रोसेस होती है सीप की जो लोग करते हैं वो ज़्यादातर कौन सी जगह पे होता है, तो ऑल ऑफ दिस बिकॉज पंजाब में राजस्थान में हरियाणा में हमने पढ़ा ना वो चार्ट में कि हर जगह पे वो प्रोसेस होती है। ऑल ऑफ दिस ये सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज अ गुड इंसर्टर। सबसे अच्छा फाइबर का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आता है वूल। फिर द टर्म विच इज नॉट इन्वॉल्व विद द सेरिकल्चर। सेरिकल्चर से कौन सी टर्म कनेक्टेड नहीं है, फर्स्ट है कार्डिंग, लास्ट में है फिलिंग द ब्लैंक। द ब्लैंक आर पुट इन द हॉट वाटर टू सेपरेट सिल्क थ्रेड्स। थ्री सेल से हमको सेपरेट करने के लिए क्या अंदर डालते हैं गर्म पानी में, कोकून COCOONS। पश्मीना साल आर मेड फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ ब्लैंक। तो कश्मीरी वो KASHMINI कश्मीरी वो POAT। ब्लैंक इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द डाइड कॉटन फाइबर्स बाय द पासिंग देम थ्रू द मेटल थी। जो मेटल की जो मेटल मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमने
ब्लैंक सिल्क, उसमें से हमको कौन से टाइप का सिल्क मिलता है? नेल, NAIA, नेल टाइप का सिल्क हमको मिलता है। पार्डिंग एंड कॉम्बिंग के बाद जो सिल्क मिलता है वो नेल सिल्क, नेल नाम का सिल्क मिलता है। अभी उसके नीचे आती है राइड्रॉम। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैमल, अंगोरा वूल है वो कैमल से मिलता है। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि वो रैबिट में से मिलता है। शीप इज द मेन सोर्स ऑफ वूल, सबसे अच्छा सोर्स है वूल का वो शीप है। ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम वूल लिखेंगे। तो फिलामेंट सेपरेटेड बाय द सिल्क वर्म आर मेड ऑफ द प्रोटीन, जो सिल्क वर्म है उसमें से जो फिलामेंट मिलता है वो प्रोटीन से भरा है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ब्लू लिखेंगे। फिलामेंट्स आर टेकन आउट ऑफ द कोकून बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग की प्रोसेस से हम जो फिलामेंट्स है कोकून के अंदर का वो निकाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ब्लू लिखेंगे। द वूल प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम द एस्केपिंग, जो वूल होता है वो हमारी बॉडी को गर्मी से हमको हीट से बचाता है, हीट प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। और लास्ट में ये द वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू द कंटिन्यूअस वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग कोकून सफर फ्रॉम द सोर्सर्स डिजीज, जो जो वर्कर्स होते हैं वो बॉइल करा हुआ जो कोकून होता है उसे निकालते हैं और वो सब करते हैं तो उसको सोर्सर्स डिजीज फैलाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो ज़्यादातर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अभी उसके नीचे आता है मेक द फॉलोइंग। ये लोही, लोही नाम है वो कहाँ से हमको मिलता है, वो हमको क्या देता है? वूल क्वालिटी वूल। तो फर्स्ट के सामने हमको फिफ्थ लिखना है, ए के सामने बी, फिर सेकंड है मर, मरवाड़ी, मरवाड़ी है वो क्या है? कोर्स वूल है, ये वूल का टाइप है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे। फिर सेकंड में थर्ड है नाली, नाली है वो क्या है? तो कारपेट वूल, वो कारपेट के लिए वूल यूज होता है, यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे। फिर फोर्थ है बटन वाड़ी, बटन वाड़ी है वो क्या है? वो होजियरी है, तो यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे, उसमें से हम होजियरी का मटेरियल बनाते हैं। लास्ट में मकर वाड़ी, मकर वाड़ी है वो क्या है? वो है वूलन शाल, इसमें से हम वूलन की शाल बना सकते हैं, यहाँ पे हम फोर्थ लिखेंगे। एक बार रिवीजन करा के लो ही है, उसके साथ गुड क्वालिटी गुल ये मैच करना है, और वाली है उसके साथ पोर्स गुल, नाली है उसके साथ कारपेट गुल, कॉटन वाली है उसके साथ मोजियरी, एंड बफर वाली है उसके साथ भूलन साल। और उसके बाद बच्चों आता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। What type of wool is called the king of fine wool? सबसे अच्छा wool, मतलब जो wool का जो king बोलते हैं वो कौन से टाइप का wool है? तो यहाँ पे लिखना है SHA HTOOSH. What is the process of straightening of dyed cotton fibers folding? जो फाइबर जो हमने डाई करा है वूलन को वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्डिंग, C A R
What type of a small smell does silk produce on the burning? Silk जलता है तब कैसी स्मेल आती है? Smell of burning net. Smell of burning net. Okay बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है और उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. तो मैं एक क्वेश्चन भी कर देती हूँ, आंसर का मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी. What is the sericulture? Sericulture क्या है? Name for bull-billed animals. कौन से four animals हमको bull मिलता है? What are the three grades of silk? Silk के three grades कितना है? What is the shearing? Shearing क्या है? Okay बच्चों, यहाँ पे हमारा lesson complete होता है. और आपको उसमें कुछ doubt या फिर query हो तो आप हमें पूछ के solve कर लेना. और homework में आपको ये पूरी आज मैंने कराई है, इतनी आपको करूंगी. वन टाइप आपकी बुक में लिखना है. ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे.